लिए अभी आगे नेशनल इमरजेंसी चाहे निकाल लिया जी। और अभी ये इशारा कर रहे हैं कि आने दो आप पीछे। हाँ, ये इन्होंने उतार दिया है जी। इसके साथ से ये आप लोग देखो, ये बॉक्स पीछे है और वो बॉक्स आगे जा रही है ट्रेन। ये वाला बॉक्स आप देखो तो ये यहीं पे खड़ा है, और ये वाला बाकी जो ट्रेन है ये आगे मूव हो रही है। आप क्रॉस में रहेगी, टकराएगी नहीं। ओहो, ये तो बिल्कुल करीब से गुजरी है जी। अब ये मुझे लगता है कि ये दूसरा जो एक बॉक्स है उसके साथ ये लगाएंगे और फिर इसे कहीं लेके जाएंगे। अब इस बॉक्स को मिलाएं, ये एंड वाले को फ्रंट पे लेके आए। ये चेक करें, और यहाँ से ये मूव होगी और ये जो एंड वाला बॉक्स था ये अब फ्रंट पे आ गया जनाब। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30, और आज मेरा दूसरा दिन है एबटाबाद में। मैं उठ चुका हूँ और आज को बड़ी अच्छी नींद आई है। मतलब यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था कश्मीर के मुकाबले में। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था आप लोगों को, ठंड बिल्कुल भी नहीं थी उस तरह की, लेकिन ठंड ऐसी थी कि मतलब दो ब्लैंकेट ले कर मज़ा आया यहाँ पर सोते हुए। अच्छी नींद आई है। और अभी अलबत्ता एबटाबाद में भी बारिश हुई है रात को, और वेदर बाहर का अगर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर तक तो वो क्लाउडी है। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल और पेज पर नए तो सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। और आज मेरा दूसरा डे है एबटाबाद में, कुछ काम से जाना है दोबारा से मैंने, वो भी थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आज मैं साथ अपने ड्रोन ले आया था, पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताना भूल गया, लेकिन क्योंकि उसकी जो चार्जिंग थी वो एंड थी तो आज मैंने रात को उसकी चार्जिंग भी कर ली है। तो एबटाबाद के कुछ अमेजिंग से शॉट्स आप लोगों को, ड्रोन शॉट्स भी दिखाने हैं मैंने, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और कोशिश करूंगा कि आज का व्लॉग और आज का दिन भी अच्छा रहे, अमेजिंग रहे। फ़िलहाल मैं होता हूँ फ्रेश, अभी फ्रेश नहीं हुआ, उसके बाद चलते हैं जी नाश्ता करने के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बाहर जो एबटाबाद का व्यू है इस टाइम का 8:30 बजे का वो दिखाता हूँ, और उसके बाद आगे का काम करता है। यहाँ से अगर आप लोग देखो व्यू तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, और एबटाबाद का मौसम ये है। आज सुबह ही सुबह बादल, और नीचे आप लोग रोड्स देखो तो ये भीगी हैं, रात को बारिश हुई है। फ़िलहाल अभी बारिश स्टार्ट नहीं हुई भी, लेकिन लग रहा है कि ये स्टार्ट हो जाएगी। ये है जी मेन एबटाबाद का फुआरा चौक। तो जी नाश्ता तैयार है, आप लोग देखो कोयटा कैफे, वहाँ पर चाय बनती है और यहाँ पर पराठे गर्मा गर्म। ये भाई हैं जो बना रहे हैं यहाँ पे, आ चुका है जी हमारा। ये देखें आप, गर्मा गर्म पराठे कोयटा के, बड़े ही मज़ेदार लग रहे हैं ये। एंड आई होप इन्हें खा के चस भी आएगी। और ये रहा हाफ फ्राई और साथ में चाय। चाय इनकी रात को मैंने ट्राई की थी, बड़ा ही मज़ेदार थी। नाश्ता करने के बाद मैं आ चुका हूँ हवेलियाँ। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये री ट्रेन, और ये वही ट्रेन है जिस पर चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग की गई थी। अभी मैं चलता हूँ अंदर, और अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ कहीं चल ही ना जाए। ये ना ट्रेन चली हुई हो, ये देखें जी आप इंटरनल ट्रेन के ये कुछ मनाजर हैं। और अभी बाहर चल के दूसरे, बाकी आप पीछे देखो तो अंदर से सारी ऐसी ही है, बीच में कुछ वो जो इसकी इंटरनल कंडीशन वो चेंज है। ये मेरा ख्याल में पाकिस्तान सफारी टूरिस्ट ट्रेन, ये देखें। आगे चलता हूँ, और यहाँ से ये इंजन इसका स्टार्ट हुआ हुआ है वो भी आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। ये आगे बैठे हुए हैं जी ट्रेन के जो ड्राइवर हैं, अब इसे पता नहीं क्या कहा जाता है, ट्रेन पायलट या ट्रेन ड्राइवर, उनसे भी दिखाता हूँ। ये बैठे हुए हैं जी अपनी फैमिली के साथ, बड़ी क्यूट बच्ची है, हाथ ला रहे हैं। ये देखें ज़रा, बड़ी क्यूट बच्ची है जी इनके साथ। ये आगे बैठे हुए हैं जी, और ये रहा जी कुछ सामने से ट्रेन, जो कि उसमें लाइटें आगे से ऑन की हुई हैं और पीछे ये रही जी ट्रेन का इंजन। ये नीचे आप लोगों को बंदे भी नज़र आ रहे हैं, इसके इंजन को ये सेट कर रहे हैं अभी। ये
है, इसका जो इंजन है वो अभी स्टार्ट है। धुआँ देख लें आप लोग निकला हुआ है, ये आगे से मजीद गए हैं टच करने में काम कर रहे हैं, तो कुछ पंप वगैरह हैं और अभी थोड़ी देर में शायद ये स्टार्ट होने वाली है। ये है जी रेलवे स्टेशन हवेलियाँ, जिस पर मैं आज पहली मरतबा आया हूँ। यहाँ पर पहले मैंने बहुत सालों, 4-5 साल में यहाँ पर आया हूँ, लेकिन कभी मेरा यहाँ पर आना नहीं हुआ। आज पहली मरतबा आया हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को ट्रेन भी दिखा दूँ, अंदर से भी दिखा दी है और बाहर से भी दिखा दी है। और यहाँ से अगर अंदर चल के आप लोगों को मैं इसका रिव्यू करवाऊँ तो ये हैं जी, ये सिंगल सीट्स और ये यहाँ पर पैसेंजर सीट्स जो हैं, 4-4 फैमिलीज ईजीली बैठ सकती हैं। ये रहा टॉयलेट ट्रेन का, ये इसकी विंडो है, ये विंडो से आप लोग व्यू चेक करो। यहाँ पर टेबल रखा गया है छोटा सा चीज़ें रखने के लिए, और इंटरनल व्यू ये है। चुकी है जी इस हवेलियाँ जो रेलवे स्टेशन है उसकी दूसरी साइड, बैक साइड, कहाँ से अगर आप लोग देखो तो ये है ट्रेन, और वो आगे तक मैंने स्टार्ट से आप लोगों को दिखाई थी। अभी इसके सारे जो है ना इंजन, सारा इंजन ये स्टार्ट हो गया और अब सारा इंजन जो है इसकी आवाज़ कर रहा है, बल्कि ये ट्रेन जो है, ओहो ये चेक करें आप, बल्कि ये तो अब फ्रंट साइड पे आ गई है जी, अभी ये चलने लगी है। ये देखें ज़रा, पहले उस साइड पे ये वाला बॉक्स उस साइड पे था, अब इन्होंने इस साइड पे कर दिया। वाह वाह जी, वही बैठे हुए आगे भी ड्राइवर, और ये अभी आगे बैठे हुए लेके जा रहे हैं आप। ये वाला जो बॉक्स में ट्रेन का है ये इन्होंने फ्रंट पे लगाया और वो वाला बैक पे कर दिया, और यहाँ से जा रही है ट्रेन। ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पूरा ट्रेन का रिव्यू, अभी मैंने बैठना भी है इस पर, ये वाला एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया अभी बैठ के, लेकिन इंशाल्लाह बैठेंगे भी। ये देखें जी आप, और बीच में वैसे सारी खाली है, इतने ज़्यादा कोई नहीं आए हुए लोग पैसेंजर्स। लेकिन बड़ी प्यारी लग रही है, बचपन में हम लोग खेला करते थे जी, जो आर्टिफिशियल दूसरी होती हैं ट्रेन खिलौने उनके साथ, तो आज ये रियल में आप लोग देखो, मैं खुद भी देख रहा हूँ वो आगे से आ रही है। अमेजिंग, और ऊपर का मौसम और ये ट्रेन की राइड हो तो क्या ही बात हो। नेक्स्ट टाइम कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो एक्सप्लोर करेंगे। ये हो गया है जी एंड इसका आखिरी बॉक्स, और ये जा रही है जी ट्रेन आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये देखें पीछे से कोई आवाज़ें भी गा रहे हैं, इसके साथ भी खड़े भी हैं लोग, और ये अभी ट्रेन रुक गई है, यहाँ पर ट्रेन रुक गई है, रुक गई है, पता नहीं क्या इशू हुआ है। अंकल ये गाड़ी क्यों रुकी है? गाड़ी सर वापस आएगी। वो क्यों? अभी जाती नहीं, अभी डब्बे लोडेंगे इसके। अच्छा अभी मतलब ट्राई कर रहे हैं? हाँ, ये 2 बजे जाएगी। 2 बजे का टाइम है तो ये हवेलियाँ से कहाँ जाएगी? कराची। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा चले जी, ये ऐसे जो ट्राई होती है फर्स्ट ट्राई वो ले रहे थे, जो ट्रेन का असल टाइम है वो 2 बजे का है, यहाँ से जाएगी ये कराची की तरफ। तभी मैं कहूँ कि इन्होंने फ्रंट साइड पे ये वाली थी इसकी तो उस साइड पे कैसी चली गई। अभी आप लोग देखो तो ये ट्रेन वापस आ रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, और ये आज मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि ट्रेन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव होती है। लाइक उसका जो आगे ड्राइवर वाली जगह है वो बहुत आगे है उस साइड पर है, लेकिन मूव यहाँ से कर रही है। ये देखो आप, इसमें अभी कोई भी नहीं बैठा हुआ इधर, तो ये रिवर्स लेके आ रहे हैं अभी ट्रेन को, ये चेक करें आप। ओहो हो, ये भी एक नया एक्सपीरियंस करने को मेरा है जी, आप लोग भी एंजॉय करो, मैं भी कह रहा हूँ सफारी टूरिस्ट ट्रेन हवेलियाँ से सीधा कराची। अभी मेरे कैमरे पर थोड़ा बहुत पानी पड़ गया, और ये साथ साथ आप लोग अगर देखो तो ये इशारा करके बता भी रहे फायदा के साइड पे लेके जाएं, और ये यहाँ पर रोक दी गई है, ये इशारा कर रहा है बंदा कि रोक दो, और
किया, इन्होंने ट्रेन यहाँ पर रोक ली है। आप लोग देखो तो इसने बड़ा ही कोई धमाका किया है, गैस रिलीज़ हुई है यहाँ से, और ये अंदर जो इसके ट्रेन के जो मैकेनिक हैं जो काम करने वाले हैं वो एक एक जो इसका डिब्बा है ट्रेन का बॉक्स उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं। ये आप लोग चेक करो ज़रा, ये देखें साथ में थोड़े भी रखे हुए हैं, और अभी इशारा कर रहे हैं कि जी आने दें। ये चेक करें जी, एक ट्रेन के साथ कितने जो है ना ये लेबर काम कर रही है सिर्फ एक ट्रेन के साथ, इस तरह एरोप्लेन की आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रही है ट्रेन। ये चेक करें, अब ये चेक कर रहे हैं कि कोई ट्रेन में ख़राबी ना हो, क्योंकि बड़ा ही ये सेंसिटिव ड्राइव होती है ट्रेन की पटरी के, इससे ये उन्होंने निकाल लिया जी, और अभी ये इशारा कर रहे हैं कि आने दो आप पीछे। हाँ, ये इन्होंने उतार दिया है जी इसके साथ से। ये आप लोग देखो ये बॉक्स पीछे है और वो बॉक्स आगे जा रही है ट्रेन, ये वाला बॉक्स आप देखो तो ये यहीं पे खड़ा है, और ये वाला बाकी जो ट्रेन है ये आगे मूव हो रही है। आप इसका मतलब ये है कि जो ये वाला बॉक्स है इसमें कुछ गड़बड़ है, ये वाला बॉक्स इसका ख़राब है। ये आप लोग देखो पूरी टीम यहाँ पर काम में लगी हुई है इस बॉक्स को ठीक करने में, और दूसरी ट्रेन जो है वो आगे की तरफ मूव हो रही है, और अब ये सब इस बाकी जो बॉक्स हैं इन्हें चेक करेंगे कि इनमें कोई ख़राबी ना हो। वहाँ से अभी ट्रेन को वापस लेके आ रहे हैं जी, लेकिन इस बार आप लोग देखो तो ये दूसरे ट्रैक पे आ रही है, जो पहले वाला ट्रैक था वो रहा, दूसरा जो डिब्बा खड़ा हुआ है बॉक्स, ये अब ट्रेन इस ट्रैक पे आएगी, यानी कि उससे क्रॉस नहीं करेगी, क्रॉस में रहेगी, टकराएगी नहीं। ओहो, ये तो बिल्कुल करीब से गुजरी है, ये देखें जी ट्रेन अब मूव हो रही है। एक डिब्बा इन्होंने जो है ना ये साइड पे रख दिया इसका। ये जो भी ट्रेन को स्टार्ट करने से पहले इंस्पेक्शन की जाती है, एक एक बॉक्स उसका चेक किया जाता है कि ट्रेन के अंदर कोई भी ख़राबी ना हो, तो वो आज मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हो जाए, और मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस में पहली मरतबा ये सब कुछ देखने को मुझे मिल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन मोमेंट्स को कैप्चर किया जाए और साथ साथ आपके पास शेयर भी करें। तो ये देखें ये बॉक्स दोबारा से आ गया वापस, अब ये मुझे लगता है कि ये दूसरा जो एक बॉक्स है उसके साथ ये लगाएंगे और फिर इसे कहीं लेके जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, आगे 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 ये अब इस बॉक्स को मिलाएंगे। ये जो ट्रेन जा रहे हैं ये आगे बैठे, ये इस बॉक्स को इसके साथ जो है ना ये लगा रहे हैं, और करें अब मुझे समझ आई है कि ये जो एंड वाला इनका ये बॉक्स था इसे ये लेके आए जी फ्रंट में, ये एंड वाले को फ्रंट पे लेके आए। हाँ, ये चेक करें, और यहाँ से ये मूव होगी, और ये जो एंड वाला बॉक्स था ये अब फ्रंट पे आ गया जनाब। ये चेक करें इनकी टेक्निक्स, ड्राइवर ने मूव किया है जी। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, है कि इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ट्रेन से रिलेटेड। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।